वो विगली आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर लौट पाना मुश्किल है। यह पूरा का पूरा आइलैंड भूतिया और डरावना है। उत्तरी इटली में स्थित इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। सरकार ने लोगों के जाने पर बैन लगाया हुआ है। मछुआरे भी इसके पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में कई बार मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से इसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि सालों पहले इटली में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बीमारी और न फैल जाए, इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 1,60,000 मरीजों को इस टापू पर लाकर जिंदा चला दिया था। इस घटना के बाद ब्लैक डेथ यानी काला बुखार नाम की बीमारी फैल गई। इस बीमारी की वजह से जो मौतें हुई, उन लाशों को भी इस आइलैंड पर लाकर दफना दिया जाता था। इन घटनाओं के बाद इस आइलैंड के आसपास के लोगों को अजीबोगरीब आवाज और आत्माओं के होने का आभास हुआ, और लोगों ने इस आइलैंड पर जाना बंद कर दिया और यह आइलैंड वीरान हो गया। और कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। हालांकि सन 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि यहां पर डॉक्टरों और नर्सों को कई असामान्य चीज़ें नज़र आने लगी थी। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे। मेंटल हॉस्पिटल बंद होने के कई साल बाद तक यह आइलैंड ऐसे ही वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने सन 1960 में इसे एक प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह इंसान अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन वहां पर रहा। उस दरमियान उसके साथ वहां पर कई घटनाएँ हुई और फिर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह सिर्फ एक दिन ही वहां पर टिक सके। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी का मुंह किसी ने काट दिया और इससे जोड़ने के लिए 14 टांके लगाने पड़े थे। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। सच की तलाश में गए ज़्यादातर लोग जिंदा लौट कर नहीं आ सके और यह आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग यहां से बचकर वापस लौट आए, उनका कहना था कि यहां पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। हालांकि इस भूतिया आइलैंड की सच्चाई क्या है, यह आज तक एक रहस्य है।